अभी भी उन लोगों का झगड़ा चालू है। लड़के ने एक लड़की को भगा कर लेकर आई है, जिसका गर्लफ्रेंड है वो आया है उसको छुड़ाने के लिए। शायद इतना गंदा सा पेन हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन। सो टुडे इज मंडे और पापा निकल रहे हैं ऑफिस। मंडे होते ही निकल जाता है, पता है आप लोगों को। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बस पापा अभी निकलने के बाद ही मैं ऊपर चली जाऊंगी अपना काम करने के लिए, मम्मी भी अपने काम में लग जाएगी। मेरा पता नहीं ये लेफ्ट वाले इस जगह पर क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं हाथ को ऐसे रख रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हाथ को अगर ऐसा कर दे रही हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ। शायद गलत वे में सोने की वजह से ऐसा हो गया होगा। चलो पापा तो निकल गए। अभी हो रहा है 8:10। अरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इधर। और मैं ना सोची थी कि कल रात को ही मेरा वीडियो एडिटिंग का काम करके रखूँगी, अपलोड सब कुछ कर दूँगी, ताकि मैं सुबह उठ के एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ, मतलब नया काम कर सकूँ। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि कल 2 बजे तक मैं जागी थी, 2 या 2:30 बजे तक। फिर मुझे इतना ज़्यादा नींद आई थी कि मैं सो गई। फिर सुबह पापा जब निकल रहे थे तब मैं उठ गई, तब से लेकर अभी तक मैं वीडियो एडिट कर रही थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा से ज़्यादा हो गया है। और अभी मैं जाती हूँ सुबह का चाय पी लेती हूँ, क्योंकि पापा जब निकल रहे थे तब मैं नींबू पानी पी थी, और अभी मेरे लिए और मम्मी के लिए थोड़ा चाय बना लेती हूँ। जब तक मैं चाय पी रही हूँ तब तक पूरी तरीके से फ्रेश नहीं हो पाऊँगी। बजे तक मैं नहा धा के फ्रेश होके वीडियो अपलोड करके ये वाला काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। पता नहीं मेरे नेक में क्या होगा, इतना गंदा पेन हो रहा है ना। मैं ये वाला जो शोल्डर है इसको नीचे नहीं कर पा रही हूँ, इस वाले शोल्डर को मैं अगर ऊपर करके रख दूँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मतलब हमेशा तो मैं इसको ऐसे उठा कर तो नहीं रख सकती ना, तो जब मैं ऐसा कर रही हूँ ना इतना गंदा सा पेन हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन, सीरियसली बोल रही हूँ। पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, मम्मी के पास जाती हूँ, कुछ अगर दवाई ववाई स्प्रे वे होगा तो मैं लगा लूँगी, जाके बताती हूँ और कुछ खा भी लेती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह। ओ मैम कोनो ही स्प्रे आछे ये एक तो देर गए, मैं ना घाड़े होने एक बैठा हो चुको लेफ्ट नंबर ठीक हो चुना है एटा एक तो घंटे तो वोटा एक तो लागी दाओ तो देखी। मम्मी खाने में क्या है ब्रेकफास्ट में? हाँ ब्रेकफास्ट तो दो मुझे, कुछ भूख लगी है। नहीं ओट्स नहीं खाना है मुझे। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आज हमारे घर क्या क्या खाना बना है, ठीक है। यहाँ पर है एज यूजुअल माय फेवरेट आलू पोस्त, तो यहाँ है रसमलाई मम्मी बनाई थी, यहाँ है
सॉरी। यहाँ है चावल, पता ही है आप लोगों को। यहाँ सेकंड फेवरेट माय दाल, एंड यहाँ क्या है और कुछ भाजा टाइप्स का है, और यहाँ अंडा रखा हुआ है बॉइल्ड एग। वेज में ये दाल और आलू पोस्ट इज द बेस्ट थिंग सीरियसली। तो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया है, दो ब्रेड को मैंने सेक लिया, उसके साथ मम्मी का बनाया हुआ वो रसमलाई, एंड उसके साथ वो आलू पोस्तो। मुझे मीठा खाने के बाद तीखा खाने का मन करता है हमेशा, तो इसलिए मैं पोस्तो भी साथ में लेकर आ गई। एकदम ऊपर वाले रूम में, यहाँ पूरा का पूरा कितना मेसी होकर रखा है देखो। ये वीडियोस वगैरह बनाने के चक्कर में ये सब कुछ ऐसा हो जाता है। मैं भी आई हूँ इसको सही करने के लिए, और थोड़ा बहुत वीडियोस भी बना लूंगी मैं, फिर नीचे चली जाऊँ। अभी मैं खाना खाऊंगी, अभी शायद 3:30 हो रहा होगा। बाहर जाके एक बार देखती हूँ, बहुत सारे कुत्ते एक साथ चिल्ला रहे हैं, देखती हूँ मामला क्या है बाहर जाके। अभी भी उन लोगों का झगड़ा चालू है, शायद ऐसा हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली मामला चल रही होगी, हो सकता है किसी ने, हो सकता है लड़के ने एक लड़की को भगा कर लेकर आई है, जिसका गर्लफ्रेंड है वो आया है उसको छुड़ाने के लिए शायद। ना बाबा उन लोगों के झमेले में मुझे नहीं पड़ना है, मैं जाके अपना खाना खा लेती हूँ। बेकार का टॉपिक अगर अच्छा होता तो मैं देखती हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करती। ये वाला टॉपिक मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी। मैं अपने लिए एक खीरा काट लेती हूँ। मम्मी का तो खाना कब का हो गया है, 3:30 बोल रही थी, अभी हो रहा है 4:15, मतलब जिस दिन ही मैं वीडियो बनाने जाऊँ उस दिन ही ऐसा लेट हो जाता है। यहाँ मैंने अपने लिए खीरा ले लिया, दही ले लिया, और ये चिप्स भी ले लिया है मैंने। जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो तब ये सब दे के हॉस्टल का खाना उगलती थी। By the way, काफ़ी हद तक ये ग्रीन लेज और खीरा का टेस्ट जो है ना वो सेम है। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, रेस्ट करके उठने के बाद फिर से एडिटिंग करूंगी मैं। माँ किचन में जो दूध रखा हुआ है सॉसपैन में वो किसका है? हाँ तो तो उसके अंदर चाय पत्ती क्या कर रही है? हेलो, अभी हो रहा है शाम के टाइम, अभी मैं बनाने आई हूँ चाय। पेन अभी तक सही नहीं हुआ, अब मैं फिर से ये वाला जेल लगाऊंगी मेरे नेक में। दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, देख सकते हो आप कि हल्का सा बारिश हो रही है, और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेड और ओरियो बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि मुझे ओरियो शेक बनाना है, मतलब बनाना है। और अभी मैं घर से मैक्रोनी आता है ना पास्ता, उसको बॉयल करके आई हूँ, घर आके घर को पोछा लगाना है। हेलो, गुड मॉर्निंग सुंदरी मुंदरी, एंड अगर आपको जानना है मेरा हाथ का बनाया हुआ जो मैक्रोनी है उसका रेसिपी और ओरियो शेक का रेसिपी अगर जानना है, तो प्लीज़ टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड मेरा जो शॉर्ट्स चैनल है उसमें मैं हर एक दिन शाम 6 बजे शॉर्ट्स अपलोड होता है मेरे उस चैनल में, एंड मेरा इस वाले चैनल में 6:30 बजे मेरा ब्लॉग्स हो या वीडियो हो हर दिन अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ जाके भी मेरा उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इंस्टाग्राम पर जाके भी फॉलो कर दो। কাকু ওরিও বিস্কুট আছে দাও তো, হ্যাঁ বড় একটা দাও, কত ওটা? 30 টাকা, এটা হলে 10 টাকাটা দাও। তো
देखो मैंने दो ओरियो बिस्कुट ले लिया है, वो भी 10 का, और वहाँ ब्रेड था लेकिन वो वाला ब्रेड मुझे फ्रेश नहीं लग रहा था तो इसलिए ब्रेड को मैंने स्किप कर दिया, बाद में जाके लूंगी। और बाकी मैं शाम को बनाऊंगी ओरियो शेक। ये सिर्फ ओरियो शेक के वजह से मैंने पापा को बोल के कब से चॉकलेट सिरप मंगा के रखा है लेकिन उसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है। चॉकलेट सिरप भी है, डेयरी मिल्क भी है, सब कुछ इंतजाम करके रखा था मैंने, लेकिन ओरियो शेक नहीं बनने के रीज़न है क्योंकि मेरा थ्रोट पेन हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं बनाऊंगी, बाद में कभी बना लूंगी। और ओरियो शेक ठंडा ठंडा खाने का मज़ा है, गर्म खाने का कोई मज़ा ही नहीं है ओरियो शेक में, या कोई भी शेक में हो। लेकर जाने जैसा बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी मैं इमरजेंसी पर्पज़ के लिए लेकर गई थी, और मम्मी ऊपर है पूजा कर रही है तो इसलिए गेट को मैं बाहर से लॉक करके गई थी। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग पूछ नहीं रहे हो फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन देते जा रही हूँ। पता है इस बार जो आइसक्रीम लाई थी ना उसको खाने का उतना ज्यादा मन नहीं कर रहा है जो चॉकलेट ओरियो क्या था चॉकलेट फज बोल के जो था इसके पहले वाला, वो खाने का जितना मन कर रहा था ये उतना खाने का मन भी नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। और ऊपर से कभी कभी क्या हो रहा है, मैंने वो मेरा टीथ के बारे में बोला था ना, उसके वजह से हो या वेदर चेंज के वजह से हो कभी कभी फीवर सा फील हो रहा है, थ्रोट पेन सा लग रहा है, इसलिए ही मैं ओरियो शेक भी नहीं बना रही थी और वो आइसक्रीम भी नहीं खा रही थी। बट मैं खाऊंगी, लाई हूँ तो ख़त्म तो करना पड़ेगा ना वो आइसक्रीम को, बाद में इसके बाद वाला जो होगा वो चॉकलेट रिलेटेड होगा, चॉकलेट मुझे ज़्यादा अच्छी। शूट करने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गया था मैं कोई डांस नहीं की थी तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ यूनिक किया जाए, बहुत दिन हो भी गया था। और आज मैं अभी जा रही हूँ, अभी मैं एक डांस शूट करने के लिए ऊपर छत में, अभी मैं जाती हूँ फटाफट करके। मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरा डांस वांस तो मम्मी की रिक्वेस्ट से मैं ये कर रही हूँ। अब देखती हूँ अकेले में ही करूँगी सब कुछ, अगर शूट करने में गाना वाना ऐड करने में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी फ़ोन पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है। मैं सोनू को फ़ोन की थी, वो अभी स्कूल में है तो मैंने छोड़ दिया और मैं खुद ही करूँगी अभी सब कुछ।